सोलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड के बीच जो मैच होने जा रही है उसके बारे में। ये मैच कहाँ पे होगी, पिच रिपोर्ट कैसा होने वाला है, वेदर रिपोर्ट कैसा होने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक टीम मिल जाएगा जिस टीम में मिलते हैं आपको 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये मैच कहाँ पे होने जा रही है और कौन कौन से प्रोबेबल प्लेयर हमारे लिए बेस्ट खेलेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा हमारे टेलीग्राम चैनल का यूजर आईडी कुछ इस तरह से है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर आप लिंक से जाते हैं तो आप इधर उधर नहीं पहुँचेंगे, जो कि कई सारे फेक चैनल बने हुए हैं वहाँ पर आपको प्राइम मेंबरशिप के नाम से पैसे वगैरह ठगे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको नहीं जाना है। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ हमारे लिंक से जाएँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का डीपी जो है कई सारे लोगों ने लगाए हुए हैं और ये हमारा ऑथेंटिक चैनल है। इसको कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे जो है हमारे सोशल मीडिया के लिंक लगे हुए हैं जिससे आप पहचान सकते हैं ये हमारा जो है ओरिजिनल ऑथेंटिक चैनल है टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के टीम दिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा फ्री टीम, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग और फैंटेसी रिलेटेड अपडेट, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा वेन्यू स्टेट्स। तो आज का जो वेन्यू स्टेट्स है कुछ इस तरह से होने वाला है। कैंसिंगटन ओवल स्टेडियम में ये मैच होने जा रही है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिच जो है यहाँ पर बैटिंग पिच है और पेसर्स बॉलर का काफ़ी बोलबाला रहता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे टोटल मैचेस प्ले की बात करें, टोटल मैचेस यहाँ पे 33 हुए हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वालों ने 20 मैचेस विन करे और बॉलिंग फर्स्ट करने वालों ने 13 मैचेस विन करे हैं। ठीक है, और यहाँ पे टोटल टाई मैचेस की बात करें तो टोटल टाई जो है यहाँ पे 0 हुआ है। एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज जो स्कोर यहाँ पे बनते हैं इस पिच पे वो है 155 और हाईएस्ट स्कोर जो है 220 तक जो है यहाँ पे आराम से बने हैं और 4 विकेट के नुकसान पे, जो कि लोवेस्ट स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हैं 52 बने हैं 10 विकेट के नुकसान पे। तो यहाँ पे विकेट भी काफ़ी अच्छे खासे गिरते हैं, 4 से 5 विकेट आराम से गिर जाते हैं। ठीक है, और स्कोरिंग पैटर्न देखते हैं तो स्कोरिंग पैटर्न आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा 150 के नीचे जो है 15 टाइम रन बने, 150 और 69 के बीच जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 टाइम रन बने, 170 और 89 के बीच जो है यहाँ पे 6 टाइम रन बने और 190 के अबव जो है यहाँ पे 5 टाइम रन बने। ठीक है, तो कुछ इस तरह से है। और एवरेज जो हम एक स्कोर लेके चलेंगे कि यहाँ पे जितने रन बन सकते हैं तो यहाँ पे 150 के आसपास जो है आराम से रन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग के प्रीवियस इनिंग स्कोर, उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एवरेज स्कोर रहते हैं वो 156 है और एवरेज विकेट जो गिरते हैं वो 6 है। ठीक है, फर्स्ट इनिंग का और एवरेज स्ट्राइक रेट जो है यहाँ पे 135 है और सेकंड इनिंग की बात करें तो एवरेज स्कोर जो है 140 है, एवरेज विकेट जो है 7 है और एवरेज स्ट्राइक रेट जो है 126 है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का यहाँ पे स्कोर रहता है फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में। और स्ट्राइक रेट भी आप यहां पे देख सकते हैं काफ़ी कम है सेकंड इनिंग में। तो यहां पे जो भी बैटिंग फर्स्ट करेगा वही मैच विन करके जाने वाला है। और यहां पे वेदर रिपोर्ट की बात करें तो वेदर जो है आपको पता है यहां पे 25 डिग्री सेल्सियस यहां पे रेनी वेदर रहने वाला है। ठीक है, क्लाउड आपको 100% नजर आएंगे और यहाँ पे रेन परसेंटेज जो है 74% है, विंड स्पीड जो है यहाँ पे 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई नजर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इंग्लैंड के प्रोबेबल प्लेयर जो कि आज खेले जाने वाले हैं और इसमें से जो हमारे लिए बेस्ट खेलेंगे सिर्फ और सिर्फ हम उसके बारे में बात करेंगे किसको अपने टीम में रखना है और किसको नहीं रखना है। ठीक है, तो जॉनी बेयरस्टो, विल जैक और यहाँ पे जॉस बटलर, ये प्लेयर को आपको अपने टीम में जरूर से जरूर सेलेक्ट कर लेना है। मोइन अली और फिलिप सॉल्ट, ये जो प्लेयर हैं इसको अपने टीम में जरूर से जरूर सेलेक्ट कर लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें इंग्लैंड से जो है प्लेयर सेलेक्ट करने की। और यहाँ पे जो है जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद, रिस टॉपले आपको ज़्यादा से ज़्यादा विकेट निकाल के दे सकते हैं। तो रिस्टॉपले को आप यहाँ पे बॉलर से कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो यहाँ पे जॉनी बेयरस्टो, विल जैक, बटलर और फिलिप सॉल्ट, इनमें से जो है फिलिप सॉल्ट को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं और यहाँ पे जॉस बटलर को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। ये आपके 2 कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाते हैं यहाँ पे। और अगर आप 2 से ज़्यादा टीम बना रहे हैं, 1 से ज़्यादा टीम बना रहे हैं, 5 से 6 टीम बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप बेयरस्टो और यहाँ पे रिस टॉपले को भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से है जिसको आपको अपने टीम में सेलेक्ट करना है और कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक टीम भी मिल जाएगी और फाइनल टीम जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से आप हमें जाकर ज्वाइन कर लें। ठीक है, और जो वीडियो यहाँ पे नहीं भी आएगी उसका भी टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा स्कॉटलैंड का प्रोबेबल प्लेयर जो कि आज खेले जाने वाले, तो इसमें से जो हमारे लिए बेस्ट खेलेंगे सिर्फ और सिर्फ हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ओलाइव हैरिस को आप अपने टीम में सेलेक्ट करेंगे और जॉर्ज मुंसे को आप अपने टीम में रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा लीक
मिचेल लिक को आप अपने टीम में रख लेंगे, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा मार्कोट, तो इनको जो है आप अपने टीम में सिलेक्ट कर लेंगे। और इससे सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा यहाँ पे बॉलर में, वो आपके लिए रहेगा यहाँ पे सफियान शरीफ, जो कि आपको काफ़ी अच्छे खासे विकेट निकाल के दे सकते हैं। ठीक है, तो इनको जो है आप अपनी टीम में सिलेक्ट कर लेंगे। और कैप्टन वाइस कैप्टन किसको करना है इनमें से, तो यहाँ पे आप चाहें तो इन मुंशे के साथ जा सकते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं इनको। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ओवरऑल टीम कंपैरिजन, दोनों के बीच अगर कंपैरिजन करें पिछले 10-10 मैचेस की, तो दोनों 10-10 मैचेस में अगर कंपैरिजन करें तो 5 मैच जो है यहाँ पे इंग्लैंड ने विन करे और 7 में स्कॉटलैंड ने विन करे। ठीक है, स्कॉटलैंड का टीम जो है काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आ रहा होगा विनिंग में। और यहाँ पे एवरेज स्कोर की बात करें तो यहाँ पे एवरेज जो स्कोर बने हैं 180 है, और इसके जो है 160 है एवरेज जो स्कोर बनते हैं वो। और यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर की बात करें 267 है 3 विकेट के नुकसान पे, और यहाँ पे 245 है 2 विकेट के नुकसान पे। तो कुछ इस तरह से स्कोर है जो हाईएस्ट स्कोर है वो। ठीक है, और यहाँ पे 228 है 10 विकेट के नुकसान पे लोवेस्ट स्कोर। ठीक है, और यहाँ पे 94 है 10 विकेट के नुकसान पे। तो स्कॉटलैंड का जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी खराब प्रदर्शन रहा है एवरेज स्कोर में और हाईएस्ट स्कोर में लोवेस्ट स्कोर में। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि ये मैच जो विन करने वाला है, ये मैच इंग्लैंड विन करके जाने वाला है, और मेरी प्रेडिक्शन भी यही है कि ये मैच जो है इंग्लैंड विन करके जाने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा हेड टू हेड मैचेस, हेड टू हेड मैचेस इन दोनों के बीच 0 हुए हैं अभी तक। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिसेंट मैच हुए हैं इससे पहले, जो कि T20 फर्स्ट हो या फिर डोमेस्टिक मैच हो, ठीक है, उसमें आपने यहाँ पे देखा है कि 2 मैच विन करा है और यहाँ पे 1 लूज करा है, फिर विन करा है, फिर यहाँ पे लूज करे हैं। ठीक है, तो स्कॉटलैंड ने कुछ इस तरह से प्रदर्शन कराया रिसेंट मैच में। और यहाँ पे इंग्लैंड की देखें तो इंग्लैंड ने 2 मैच विन करे, फिर लूज करे हैं 1 मैच, और फिर 2 विन करे, और यह भी मैच विन करके जाने वाले हैं यहाँ पे इंग्लैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ट्रम्प कार्ड प्लेयर, तो आज के जो ट्रम्प कार्ड प्लेयर है वो कुछ इस तरह से है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा फिलिप सॉल्ट, और यहाँ पे आर बैरिंगटन, क्रिस सॉल, और यहाँ पे मार्क वाट, आदिल रशीद। ठीक है, तो ये प्लेयर आपके ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं जिसको आपको सभी टीमों में सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट कर लेंगे, और ये आपके गेम चेंजर प्लेयर हो सकते हैं, ये आपको जीएल विन करा के दे सकते हैं, तो सभी टीमों में आप इनको सेलेक्ट कर लेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो जॉस बटलर, हैरी ब्रोक, और यहाँ पे मिचेल लिक, और यहाँ पे जॉर्ज मुंशे हैं जिसको आपको अपने टीम में सेलेक्ट करना है कैप्टन वाइस कैप्टन में रिस्क के साथ। अगर आप इसके साथ रिस्क लेते हैं तो आप यहाँ पे जीएल भी विन कर सकते हैं, और जीएल विन करने के लिए आपको कैप्टन वाइस कैप्टन में रिस्क लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो लियाम लिविंगस्टन, जॉनी बैरिस्टो, रिस टॉपले और बैरिंगटन को आप अपने टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके एसएल वाले टीम के प्लेयर हो जाते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाते हैं, सेफ वाले कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाते हैं। अगर आप इनको सेलेक्ट करते हैं तो आपने जितना इन्वेस्ट कर रखा है वो आपके वापस होके आ जाएंगे, और अगर आपको ज़्यादा विन करना है तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा माइंड लगा सकते हैं कुछ इस तरह से, जैसे आपने हैरी ब्रूक को अपने टीम में सेलेक्ट करा। ठीक है, एक रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन और एक आप यहाँ पे सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे जॉनी बैरिस्टो को यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया और एक आपने हैरी ब्रूक को सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से अगर आपने कैप्टन वाइस कैप्टन बना लिया तो आपके विनिंग के चांसेस काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा फिक्स कॉमन प्लेयर, तो आज के जो फिक्स कॉमन प्लेयर है वो कुछ इस तरह से है, यहाँ पे एल लिविंगस्टन, रिस टॉपले, ब्रैडली करी और मार्क वाट, मोइन अली और विल जैक को आप अपने टीम में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि आपके फिक्स कॉमन प्लेयर हो जाते हैं, सभी टीमों में आप फिक्स कर लेंगे। तो अगर आप 11 टीम बना रहे हैं, 20 टीम बना रहे हैं, या फिर 5-6 टीम बना रहे हैं, सभी टीमों में आपको इसको फिक्स कर लेना है। फिक्स इसलिए कर लेना है क्योंकि ये हमेशा एवरेज में खेलते हैं, और एवरेज में खेल के DT प्लेयर में रहते ही रहते हैं, ड्रीम टीम में रहते ही रहते हैं। तो इनको अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके अच्छे खासे पॉइंट आ सकते हैं और आप GL भी विन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं GL कॉमन प्लेयर की, जो GL रोटेटिंग प्लेयर होते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ओलाइव हैरिस, और यहाँ पे जॉस बटलर, माइकल जोन्स, और यहाँ पे फिलिप सॉल्ट, मैथ्यू क्रॉस, और यहाँ पे हैरी ब्रूक, ये आपके हो जाते हैं GL रोटेटिंग प्लेयर। इसको सभी टीमों में आपको रोटेट कर लेना है। अगर इनको आप रोटेट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट टीम में आपने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, सेकंड टीम में इनको जो है ड्रॉप करके आप इन दोनों के साथ चल जाते हैं, तो कुछ इस तरह से अगर आप सभी टीमों में सिलेक्ट करते हैं तो आपके विनिंग चांसेस भी बनते हैं, आपके टीम भी यूनिक बनते हैं, और आपके विनिंग चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा स्मॉल लीग के मस्ट पिक, जो कि आपको स्मॉल लीग में सेलेक्ट करना है और स्मॉल लीग आपको आराम से विन करा के दे सकता है। तो यहाँ पे इंग्लैंड से जॉस बटलर, आदिल राशिद को आपको सेलेक्ट कर लेना है, स्कॉटलैंड से जॉर्ज मुनसे और यहाँ पे शफियान शरीफ को आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो कि आपको यहाँ पे एसएल आराम से विन करा के दे सकता है, ठीक है। और इसको जो है आप अपने जीएल वाले टीम में भी सिलेक्ट करेंगे और इसके साथ जो है आप कुछ रिस्क वाले प्लेयर सेलेक्ट करेंगे। तो किसको सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर किसको सेलेक्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल रहा होगा ग्रैंडिक के प्लेयर जिसको आपको सेलेक्ट करना है। तो इंग्लैंड से जो है यहाँ पे क्रिस जॉर्डन और लियाम लिविंगस्टन को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको काफी अच्छा करके दे सकते हैं। स्कॉटलैंड से जो है मिचेल जॉन्स और क्रिस सोल को आप अपने टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे काफी अच्छा करके दे सकते हैं जीएल में और आपको जीएल विन भी करा सकते हैं, इसलिए इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, ये आपको काफी अच्छा करके दे सकते हैं और जीएल भी विन करा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हो जाते हैं। और यहाँ पे डेथ ओवर बॉलर की बात करें, जो कि आपको काफी अच्छा करके देने वाले हैं, और यहाँ से अगर आपको विकेट निकाल के दे देंगे 5 से 6 विकेट अगर आपके यहाँ से निकल जाते हैं, अगर आपने सभी को सिलेक्ट कर लिया और सबने यहाँ पे 2-2 विकेट निकाल लिए और अगर आपने कैप्टन वाइस कैप्टन कर लिया इनको, तो आपके बल्ले बल्ले होने वाले हैं, आप जीएल आराम से विन करने वाले हैं, ठीक है। और कोशिश करें आप ऑलराउंडर और बॉलर से कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की, ताकि आप यहाँ पे जीएल विन कर सके, ठीक है। और यहाँ पे डेथ ओवर बॉलर की बात करें, तो यहाँ पे इंग्लैंड से जो है जोफ्रा आर्चर, रिस टॉपले और क्रिस जॉर्डन को आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे स्कॉटलैंड से जो है शफियान शरीफ और क्रिस शॉल को आपको अपने टीम में सिलेक्ट करना है। तो कुछ इस तरह से हो जाता है जिसको आप अपने टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं डेथ ओवर बॉलर में। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एक टीम और प्रॉपर टीम यहाँ पे मिल जाएगा आपको, 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन भी मिल जाएगा और फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमें जाके जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगर वहाँ से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल में जाइए, वहाँ से आप हमें बायो में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर लें, ठीक है, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और सही जगह पर आप पहुँच सकें। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा जॉस बटलर पी सॉल्ट को हमने सेलेक्ट करा है विकेट कीपर में, और यहाँ पे बैरिस्टो मुनसे और विल जैक को सेलेक्ट करा है, ये हमारे बैटर हो जाते हैं। मोइन अली एम लीक और यहाँ पे एस्कुरन को हमने सेलेक्ट करा है, आदिल राशिद और यहाँ पे एम वुड और जोफ्रा आर्चर को हमने सेलेक्ट करा है, जो कि हमें काफी अच्छा करके दे सकते हैं, विकेट निकाल के दे सकते हैं। और यहाँ पे जो है हमने टीम जो है बैलेंस में रखा है, ताकि हमें काफी अच्छा पॉइंट मिले, और यहाँ से 2 ही प्लेयर हमने सेलेक्ट करे हैं स्कॉटलैंड से, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट जो है इंग्लैंड वाले प्लेयर दे सके और हम यहाँ पे आराम से जीएल विन कर सके। आप चाहें तो यहाँ पे स्कॉटलैंड की प्लेयर की संख्या जो है बढ़ा भी सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ इंग्लैंड के प्लेयर की संख्या जो है कम करनी होगी, उसके लिए आप 2 से 3 या 4 टीमें बना सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो फर्स्ट टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन आपको यहीं पे मिल जाता है, बटलर और फ्लिप सॉल्ट, ये आपके फर्स्ट टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है, ठीक है। मुनसे और यहाँ पे बैरिस्टो को बना सकते हैं, ये आपके सेकंड टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। विल जैक और यहाँ पे पी सॉल्ट को बना सकते हैं, ये आपके थर्ड टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। 3 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन आपको यहाँ पे मिल गया होगा, एक टीम आपको यहाँ पे मिल गया होगा, जोफ्रा आर्चर और यहाँ पे जॉस बटलर को हमने बना के रखा हुआ है, ये आपके हो जाते हैं फोर्थ टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं बॉलर और ऑलराउंडर से बनाना, तो यहाँ पे एस कुरन और आदिल रशीद को बना सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये आपके फिफ्थ टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। 5 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन आपको यहाँ पे मिल गया होगा और फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।